नमस्ते, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं सुशील कुमार, बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। अयोध्या मुद्दे को लेकर आईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला है। राम मंदिर निर्माण को लेकर मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस हक से राम मंदिर बनना चाहिए की बात कर रहे हैं, वो क्या चीफ जस्टिस हैं? ओवैसी ने दावा किया है कि संघ और भाजपा राम मंदिर पर निंदनीय बयान देकर गुजरात चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस आग से खेल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद पर 5 दिसंबर को सुनवाई से पहले बीजेपी और आरएसएस भय का वातावरण बनाना चाहती है। आपको बता दें कि राम मंदिर मुद्दे पर मोहन भागवत ने कर्नाटक के उड़प्पी में चल रही धर्म संसद के दौरान कहा था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा, उन्हीं की अगवानी में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर पिछले 20-25 सालों से चल रहे हैं। वहीं सवाल इस बात का है कि जब अयोध्या केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो नेताओं की इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? तो वहीं 125 साल पुरानी कांग्रेस की कमान अब राहुल गांधी संभालने वाले हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। क्योंकि राहुल के मुकाबले पार्टी में कोई और कैंडिडेट नहीं है, इसलिए सर्वसम्मति से राहुल की ताजपोशी होना तय है। राहुल गांधी के नामांकन दाखिले के दौरान उनके साथ सोनिया गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 5 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। हालांकि राहुल गांधी का निर्विरोध चुना जाना तय है। 11 तारीख को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और उसी दिन नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी? वहीं गुजरात में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भरूच जिले में पीएम मोदी की रैली में अलग ही नजारा देखने को मिला। जहां पीएम मोदी भाषण देते रहे और सिर्फ कुर्सियां सुनती रहीं, यानी कि पीएम मोदी की रैली में बिल्कुल ना के बराबर लोगों की मौजूदगी रही। आपने एक अंग्रेजी बटन दबावी ने समग्र गुजरात नु भाग्य बनावाना छो। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या नोटबंदी और जीएसटी का नतीजा ही तो नहीं जिसकी वजह से पीएम मोदी की रैली से जनता ने इतनी दूरी बनाकर रखी है? देश की राजधानी दिल्ली से बेहद शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही बेटी से 1.5 साल तक रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि जब भी लड़की घर में अकेली होती थी तो उसका पिता उसके साथ रेप करता था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 साल की लड़की ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि उसका पिता पिछले 1.5 साल से उसके साथ रेप कर रहा था, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब बेटियां अपने ही घरों में महफूज नहीं होंगी तो फिर कहां सुरक्षित होंगी? ऐसे हवस के भेड़ियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में युवा शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने कुमार विश्वास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इंदिरापुरम में स्थित उनके घर का घेराव करके गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुमार विश्वास ने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करके उनका अपमान किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने एसएचओ को ज्ञापन सौंपकर कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने बीते दिनों राजस्थान में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि एक इंसान आरक्षण के नाम पर आंदोलन चलाकर हमारा जातीय ढांचा तोड़कर चला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्ते।